दोस्तों ये बात सच है कि कुत्ते दुनिया के सबसे वफादार जानवरों में से एक होते हैं, जिन्हें हम इंसान आसानी से अपना दोस्त बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हर कुत्ते को अपना दोस्त बना सकते हो और उसके करीब जा सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कुत्तों की कुछ ऐसी खतरनाक नस्लें भी पाई जाती हैं, जिनके बारे में जानकर आप कुत्ते तो क्या, कुत्ता शब्द से भी डरने लगोगे। तो चलिए मिलवाते हैं आपको कुत्तों की ऐसी ही 10 सबसे खतरनाक नस्लों से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। रोटवाइलर। फेस से मासूम दिखने वाला यह कुत्ता असल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिटबुल के बाद इंसानों की सबसे ज्यादा जाने इसी रॉटवाइलर डॉग ने ली हैं, और इसीलिए 2020 में इसे वर्ल्ड का डेंजरस डॉग कहा गया है। दोस्तों इसने अब तक सिर्फ अमेरिका में ही लगभग 55 से भी ज्यादा इंसानों को मौत के घाट उतारा है। वैसे तो ये हाइट में छोटे होते हैं, लेकिन इनका वजन बहुत ज्यादा होता है और इनकी पकड़ भी बहुत मजबूत होती है। अगर ये किसी चीज को पकड़ लें तो कोई भी उसे आसानी से छुड़ा नहीं सकता। अगर इन्हें बचपन से ही प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये अपने ऑनर पर भी हावी हो जाएंगे, और फिर इनसे बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कॉकेशियन शेफर्ड। दोस्तों ये डॉग ब्रीड दुनिया के सबसे बड़े कुत्तों में से एक है। इनकी हाइट 30 इंच तक होती है और इनका वजन लगभग 45 से 70 किलोग्राम तक होता है। वैसे ये ब्रीड रसिया और ज्यादातर उसके आसपास के इलाकों में ही पाई जाती है। इन डॉग्स को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो ये अपने मालिक के लिए खतरा बन सकते हैं। दरअसल ये कुत्ता अपने मालिक और उसकी फैमिली के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी को भी अपना मानने लगता है और उसकी हिफाजत में लगा रहता है। जब इसे कोई अनजान व्यक्ति से खतरा महसूस होता है तो ये बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और अटैक करने लगता है, जिसके बाद इसका मालिक भी इसे संभाल नहीं पाता। वैसे आपको बता दें कि पहले यह कुत्ता मवेशियों की रखवाली के लिए फार्म पर पाला जाता था, लेकिन अब इसे लोग अपने घरों में भी पालने लगे हैं। वुल्फ हाइब्रिड। इस ब्रीड के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये ब्रीड इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि अमेरिका जैसी कंट्री में ये पूरी तरह से बैन है। वैसे डॉग्स की ये ब्रीड ज्यादातर जर्मनी और यूरोप जैसी कंट्री में पाई जाती है। ये कुत्ते स्वभाव में बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं, और इनकी सबसे अजीब बात होती है कि ये दूसरे कुत्तों के दांतों को लिक करते हैं और फिर उसे अपनी टीम में शामिल करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होने वाली है कि ये डॉग्स इंसानों को भी अपना साथी बनाने के लिए उनके दांत लिक करते हैं, और अगर कोई इंसान इसे ऐसा नहीं करने देता तो ये उसका पूरा फेस अपने जबड़े में दबोच लेते हैं। ये कुत्ते अपनी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा पोजेसिव होते हैं, और अगर इन्हें लगता है कि कोई इनकी चीजों को उनसे दूर कर रहा है तो ये गुस्से में आ जाते हैं और उस पर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर देते हैं। और अभी तक ये कुत्ते लगभग 15 से ज्यादा लोगों पर अटैक करके उन्हें मार चुके हैं। चाओ चाओ। दोस्तों इस कुत्ते का फेस देखकर आप ये अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि ये कितना ज्यादा गुस्सैल है। फेस से तो ये बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखता है, और इसकी इसी क्यूटनेस और बड़े बड़े सॉफ्ट बालों के कारण लोग इस कुत्ते को पालना पसंद करते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 2000 से 3000 साल पुरानी ब्रीड है और साइबेरिया में पाई जाती है। इसकी हाइट 55 सेंटीमीटर और वेट 32 किलोग्राम तक होता है, और इसके घने बालों के कारण ये यूरोप का सबसे पसंदीदा डॉग माना जाता है। लेकिन इस साइबेरियन डॉग की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये अटेंशन सीकर होता है, और जब इसे लगता है कि इसे कम अटेंशन मिल रहा है तो इसे बहुत गुस्सा आ जाता है, और इसी गुस्से के कारण ये अपने आसपास के लोगों पर हमला कर देता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गुस्से में अपने मालिक तक पर अटैक कर देता है। अमेरिकन पिटबुल टेरियर। 19वीं शताब्दी के मध्य में पैदा हुए इस नस्ल के डॉग्स ओल्ड इंग्लिश टेरियर्स और ओल्ड इंग्लिश बुल डॉग्स की क्रॉस ब्रीडिंग का नतीजा है। ये डॉग्स भी अपने एंसेस्टर्स की तरह ही काफी एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनका जीवन काल लगभग दूसरे डॉग्स की तरह ही 12 से 14 साल तक का होता है। हालांकि इन डॉग्स को बहुत सी बीमारी, स्किन प्रॉब्लम्स और एलर्जीज बनी रहती हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इंसानों और जानवरों को देखकर उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ भागते हैं और उसे दबोच लेते हैं। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने इसे बैन किया हुआ है।
अलास्कन मालाम्यूट्स। इन डॉग्स को दुनिया की सबसे डेंजरस डॉग्स की नस्ल माना जाता है, जो कि बहुत गुस्सैल होते हैं और गुस्सा आने पर ये किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। इनके पास बहुत ही गजब की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, जिसकी मदद से ये आराम से किसी भी वातावरण में ढल जाते हैं। आज बहुत से पहाड़ी क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल भेड़ों और रेनडियर्स को चराने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये उन्हें अन्य छोटे शिकारियों से सुरक्षा देते हैं। वैसे अगर आप इन्हें अपने घर पर पालने का विचार बना रहे हैं, तो एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि इन्हें कभी भी अकेला ना छोड़ें, क्योंकि अकेले होने पर ये बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं और हमला करने लगते हैं। प्रेसा कैनेरियोस। प्रेसा कैनेरियो नस्ल के डॉग्स डोमिनेंट रहने की अपनी खासियत के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं और ये कैनरी आइलैंड पर पाए जाते हैं। और शायद ही आपको जानकारी होगी कि इन्हें किलिंग मशीन भी कहा जाता है, जो कि हंटिंग करने के लिए ही ब्रीड किए गए हैं। अगर ये किसी छोटे जानवर के ऊपर हमला करते हैं, तब ये उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि ये उसकी जान नहीं ले लेते। हालांकि अगर इन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिले तो इन्हें घर में भी रखा जा सकता है, जहां ये एक बेहतरीन गार्ड डॉग साबित होते हैं। डॉबरमैन पिंसर्स। दोस्तों, डॉबरमैन पिंसर्स बहुत ही लॉयल और अग्रेसिव नस्ल के डॉग्स होते हैं, जो कि किसी के द्वारा भी उकसाने पर चिढ़ जाते हैं और तुरंत ही हमला कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये हर वक्त खतरनाक हो, क्योंकि अगर इनकी ट्रेनिंग सही तरीके से होती है, तब ये खतरनाक से बहुत ही जेंटल व्यवहार के बन जाते हैं, पर फिर भी बहुत से लोग इनके करीब जाने से कतराते हैं। बॉक्सर्स। जर्मनी में पाए जाने वाले ये बॉक्सर डॉग्स वर्ल्ड के सबसे ताकतवर डॉग्स की लिस्ट में टॉप पर आते हैं और इनका वजन लगभग 20 से 30 किलोग्राम तक होता है। इतना ही नहीं, ये बचपन से ही बहुत ही ज्यादा गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, जिस वजह से इनकी ट्रेनिंग करना भी बेहद कठिन होता है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें सिर्फ अपने मालिक के सिवाय किसी का चेहरा याद नहीं रहता और ये अनजान आदमी पर तुरंत ही हमला कर देते हैं, जिस वजह से कोई भी इनके करीब नहीं जाता। बर्बल्स। बर्बल्स अक्सर घरों की रखवाली के लिए पाले जाते हैं और ये डॉग्स साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली कुत्तों की एक बहुत ही खतरनाक नस्ल है। शायद ही आपको इस बारे में मालूम हो कि इन्हें अपने इलाके में किसी की भी घुसपैठ पसंद नहीं होती, और अगर कोई तब भी इनके इलाके में घुसपैठ करता है, तब ये तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से इन्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक और गुस्सैल माना जाता है। दोस्तों, आपको अगर पालना हो तो इनमें से कौन सी ब्रीड के डॉग को पालना चाहेंगे, हमें कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।